अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 है तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन दी हुई है, इसका हमें सॉल्व करना, यानी जो वेरिएबल एक्स है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर है 3, 2, 6, इनको हमें ख़त्म करना है। तो 3, 2, 6 कैसे ख़त्म होंगे, जो तीनों नंबर हैं 3, 2, 6 इनका जो एलसीएम है वो हो गया 6। जो एलसीएम है ऑफ 2, 3, 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, इसलिए जो दो तीन नंबर हैं 2, 3, 6 इनका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग वाली मल्टीप्लाई बाय 6। तो सभी को इसको भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2/3x, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2x, 6 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 6 इंटू 1/6। तो सभी का भी इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, इसको भी हर टर्म को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये 3, 2, 6 क्या है, 3, 2, 6 तो 2, 2, 4x, ये आ जाएगा 4x। माइनस है 2, 3, 6 ये 3x आ जाएगा, 3, 1, 3 साथ इसके एस आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये 6x। ये 6 1 ये कार्ड कैंसिल होगा, प्लस 1 बन जाएगा। 4x पे 6x माइनस कर देंगे, 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा 1x को एस लिखेंगे इज इक्वल टू 6x प्लस 1। ये 6x इसके साथ इस साइड पर ले आएंगे, इधर अगर माइनस हो जाएगा तो एस माइनस 6x इज इक्वल टू 1। ये 1x है, 1 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 6 कितना होगा, -5x। तो -5x इज इक्वल टू 1, -5 के साथ डिवाइड कर देंगे, -5x डिवाइडेड बाई -5, 1 डिवाइडेड बाई, दोनों साइड को -5 के साथ डिवाइड कर दिया, ये इसके साथ कट ही गया, तो दिस इंप्लाइज एस इक्वल टू -1/5। तो -1/5 जो है ये आपका, इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो पुट करेंगे, पुटिंग एस इक्वल टू -1/5, ये इक्वेशन है, एस की वैल्यू फाइंड की है, इसको इसमें पुट करेंगे चेक करने के लिए। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई -1/5 -1/2 -1/5 -1/5 +1/6। 2/3 लिखा है, एस पर लिख दिया हमने -1/5, ये -1/2 फिर एस पर लिख दिया -1/5 फिर इज इक्वल टू, फिर एस पर लिख दिया -1/5 ये +1/6। इसमें जहाँ जहाँ पर एस है उसका हमने पुट कर दिया -1/5। 2 को माइनस का साइन आएगा, 2 1 2 2 1 2 और 3 5 15, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 है, 2 5 10 इज इक्वल टू -1/5 +1/6। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 10 और 15 का एलसीएम देख लें, 10 और 15 का एलसीएम होगा 30। 10 के टेबल में 30 आता है, 15 के टेबल में भी 30 आता है, इन दोनों का एलसीएम होगा 30 हो जाएगा। तो 30 का एलसीएम देगा, तो 30 को 15 से डिवाइड करें, 30 डिवाइडेड बाई 15 2 हो जाएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 -4, फिर 30 को 10 के साथ डिवाइड करें, 30 डिवाइडेड बाई 10 3 3 1 3, यहाँ पर 6 5 का से भी 30 हो जाएगा। तो 30 को 5 से डिवाइड करें, 30 डिवाइडेड बाई 5 6 आ जाएगा -6, फिर 30 को 6 के साथ डिवाइड करें, 30 डिवाइड बाई 6 5 5 1 5।
So minus 4 plus 3, minus 1 over 30. Minus 1 over 30. And minus 6 plus 5, minus 1 over 30. So then both sides equal. Left hand side is equal to right hand side. Both sides equal. This color therefore. ये जो एस के वाली फाइन की है ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। एस के वाली जो वाली फाइन की है ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। देखो लिख देंगे सोल्यूशन से इज इक्वल माइनस वन ओवर फाइव। ये जो एस की वाली फाइन की है ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आप हम इसका आंसर लिख देंगे एस एस इज इक्वल टू माइनस वन ओवर फाइव। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इसका सेकंड पार्ट इसका इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन है एस माइनस थ्री ओवर थ्री एस माइनस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री माइनस एस माइनस टू माइनस एस माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन। एस माइनस थ्री ओवर थ्री माइनस एस माइनस टू ओवर टू इज इक्वल टू माइनस वन। ये इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर भी डिनोमिनेटर आ रहे हैं थ्री ओवर टू, ये थ्री है, ये टू भी। इस थ्री को टू को खत्म करना है। तो टू और थ्री का शेम होगा सिक्स होगा। टू और थ्री का ऐसे आना वो क्या होगा ऐसे हमारा टू एंड थ्री इक्वल टू सिक्स। टू के टेबल में भी सिक्स आता है, थ्री के टेबल में भी सिक्स आता है। तो इन दोनों का एलसीएम सिक्स हो जाएगा। तो इस सिक्स के साथ एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय सिक्स, इसको सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिक्स इंटू एस माइनस थ्री होगा थ्री, ये माइनस का साइन है। सिक्स इंटू एस माइनस टू ओवर टू सिक्स इंटू माइनस वन। तो सभी का हमें सिक्स के साथ मल्टीफाई कर दिया। इसका भी सिक्स के साथ, इसका भी सिक्स के साथ, इसका भी सिक्स के साथ मल्टीफाई कर दिया। तो थ्री टू का सिक्स, थ्री टू का सिक्स क्या है टू इंटू टू इंटू एस माइनस थ्री माइनस टू थ्री का सिक्स माइनस आ गया माइनस थ्री इंटू एस माइनस टू। टू थ्री का सिक्स थ्री इंटू एस माइनस टू इज इक्वल टू तो सिक्स इंटू माइनस वन माइनस सिक्स हो गया। और टू से मल्टीप्लाई करते हैं टू एक्स टू एक्स फिर माइनस टू थ्री जरा सिक्स फिर माइनस थ्री एक्स इला माइनस इला माइनस प्लस हो जाएगा प्लस थ्री टू जरा सिक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स। तो ये माइनस सिक्स और प्लस सिक्स कैंसिल हो जाएंगे। टू एक्स माइनस थ्री एक्स टू एक्स माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स। टू एक्स में से माइनस करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स। दोनों साइडों से माइनस कैंसिल हो जाएगा। दोनों साइडों से माइनस या माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस वन माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई माइनस वन। माइनस वन से दोनों साइडों को डिवाइड कर माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया सिक्स और वन सिक्स। अब इसको चेक कर लें, इसको चेक कर लें। चेक पुटिंग कर लेंगे, पुटिंग एस इक्वल टू सिक्स। ये वाली क्वेश्चन दी हुई है, एस की हमने वैल्यू फाइंड की है। इस वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट कर दिए तो सिक्स माइनस थ्री ओवर थ्री सिक्स माइनस थ्री ओवर थ्री एस को सिक्स पुट कर दिया। सिक्स माइनस थ्री ओवर थ्री फिर माइनस इसको फिर एस सिक्स पुट कर देंगे। सिक्स माइनस टू ओवर टू सिक्स माइनस टू ओवर टू इज इक्वल टू माइनस वन। सिक्स ये जो एसके डिफाइन किया इसका यहाँ पुट कर लिया सिक्स माइनस थ्री ओवर थ्री माइनस सिक्स माइनस टू ओवर टू इज इक्वल टू माइनस वन। तो सिक्स माइनस थ्री थ्री हो गया थ्री ओवर थ्री माइनस सिक्स माइनस टू फोर ओवर टू इज इक्वल टू माइनस वन। थ्री वन जो थ्री ये वन हो गया टू टू जो फोर माइनस वन तो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन। दोनों साढ़े टू आ गई हैं। देखो लिख देंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू एस पी वाली फाइन की है। ये सोल्यूशन सेट होगा सिक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा।
ये पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है, थर्ड पार्ट है इसका, 1/2 S-1/6 +2/3 इज इक्वल टू 5/6 +1/3 इंटू 1/2 -3x और सेकंड थर्ड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका देखिए ब्रैकेट है, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ये ब्रैकेट है इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ऐसे लिखेंगे, 1/2 ये फ्रैक्शन है, ये वाली फ्रैक्शन है तो सिर्फ इसका डिनोमिनेटर है तो सिर्फ इसका एलसीएम आ जाएगा सिर्फ इसका, और सिर्फ को एस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ को एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, ये माइनस का साइन है तो सिर्फ डिवाइडेड बाई 6 1। अब सिर्फ को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो सिर्फ डिवाइडेड बाई 6 1, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। +2/3 लिख दिया इज इक्वल टू 5/6 +1/3 इस पर भी 2 LCM आ जाएगा, अकेला 2 है, 2s का LCM आ गया, 2s आ गया तो 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 2 को 2 से डिवाइड करें 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन है तो 2 3 है, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 2 3 2 3 6x 2 3 6x। अब ये आ गया 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x 1 आ गया, ये अलावा इसके ऊपर ऊपर वाला न्यूमरेटर में है 1s के साथ मल्टीप्लाई 6x 1, ये जिन दोनों नीचे हैं ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 6 12 ये +2/3 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई करें ये 1 -6s है 1 -6s ये 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर दें 3 2 6 तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 6x 1 आ गया, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया जो दोनों नीचे हैं डिनोमिनेटर में ये आपस से मल्टीप्लाई होंगे 2 6 12 ये वैसे लिख दिया इस वैसे लिख दिया 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 -6s ये दोनों डिनोमिनेटर में आपस से मल्टीप्लाई होंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 6 अब 12 3 6 6 इन सब का जो एलसीएम वो क्या होगा 12 होगा, 6 के टेबल में भी 12 आता है 6 के टेबल में भी 12 आता है तो सब का जो एलसीएम है वो क्या होगा 12 तो सभी का 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 12 सभी को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 12 मल्टीप्लाई बाई 6s-1 12 12 × 2/3 12 × 5/6 12 + 12 × 1 - 6s/6 तो सभी को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी ये 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो बाकी 6s-1 बच जाएगा तो 3 4 12 4 2 8 + 8 इज इक्वल टू 6 2 12 2 5 10 6 2 12 2 5 10 6 2 12 प्लस हो जाएगा 2 × 1 - 6x 6 2 12 2 × 1 - 6x तो 6x ये 6x आ गया -1 + 8 में से 1 माइनस कर दें +7 हो जाएगा इज इक्वल 10 प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 2 1 2 - 2 6 12 6s लिख दिया 8 में से 1 माइनस किया 7 इज इक्वल टू 10 2 से मल्टीप्लाई कर 2 1 2 फिर 2 6 10 माइनस का साइन आ गया। अब 6s + 7 10 में से 2 प्लस करें ये 12 हो जाएगा -12x
ये माइनस ट्वेल्व एस है, इसको इस साइड पर जाएगा प्लस हो जाएगा, इस माइनस को इधर लेगा ये मेरा प्लस हो जाएगा, तो क्या रहेगा सिक्स एस, पहले ये वाला सिक्स एस लिखेंगे, ये माइनस है जब इधर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ट्वेल्व एक्स, प्लस ट्वेल्व एक्स, जिसकी साइड चेंज ही है, साइड चेंज करने से साइन चेंज हो गया, ये सेवन का इधर ले जाएंगे, ये वाला सेवन इस साइड पर आ जाएगा, ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस सेवन, जो एस वाला था इसको इधर ले जाएंगे, ये प्लस सेवन को इधर लेकर माइनस कर दिया, तो सिक्स प्लस ट्वेल्व कितना आएगा एटीन एक्स इज इक्वल टू एटीन एक्स, ट्वेल्व माइनस सेवन फाइव, दोनों साइड देखो एटीन के साथ डिवाइड कर दें, एटीन एक्स डिवाइडेड बाई एटीन, फाइव डिवाइडेड बाई एटीन, एक काइड कैंसिल हो जाएगा, एस इक्वल टू फाइव ओवर एटीन, ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, फाइव ओवर एटीन ये आपका आंसर आ गया। फिर फोर्थ पार्ट करते हैं, तो फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट तो उसमें क्या है, एस प्लस वन नंबर थ्री, एस प्लस वन नंबर थ्री इज इक्वल टू एस माइनस टू ओवर थ्री माइनस सिक्स एक्स, फोर्थ पार्ट है इसका, एस प्लस वन नंबर थ्री इज इक्वल टू इन टू एस माइनस टू ओवर थ्री माइनस सिक्स एक्स, तो पहले क्या करेंगे इस टू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, एस प्लस वन नंबर थ्री भी इसको वैसे ही लिखते रहें, एस प्लस वन नंबर थ्री टू को एस के साथ मल्टीप्लाई करें टू एक्स हो जाएगा, टू को एस के साथ मल्टीप्लाई टू को फिर टू को एस के साथ मल्टीप्लाई करें टू इन टू टू ओवर थ्री, पहले टू को एस के साथ मल्टीप्लाई टू एस फिर टू को एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू टू टू इंटू टू ओवर थ्री, टू टू का कितना जो है फोर हो जाएगा, टू टू का कितना जो है फोर, इसको फोर ओवर थ्री लिख लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे फोर ओवर थ्री, फोर ओवर थ्री माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स, फिर टू को एस के साथ मल्टीप्लाई किया टू एस हो गया, फिर माइनस का साइन आ गया, टू टू का फोर, फोर ओवर थ्री, अब देखें थ्री है ये वाला थ्री है, तो थ्री इसको ख़त्म करना, ये डिनोमीटर में आ रहे हैं, तो थ्री खत्म करेंगे सभी का हम थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाइंग बाई सभी को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको थ्री से करेंगे थ्री एक्स हो जाएगा, थ्री इंटू वन ओवर थ्री, थ्री इंटू टू एक्स माइनस थ्री इंटू थ्री इंटू सॉरी थ्री इंटू फोर ओवर थ्री, थ्री इंटू फोर ओवर थ्री, थ्री इंटू सिक्स एक्स, तो सभी का हमें थ्री के साथ मल्टीप्लाई करें थ्री एक्स हो गया, थ्री इंटू वन ओवर थ्री, थ्री इंटू टू एक्स, फिर थ्री इंटू फोर ओवर थ्री, थ्री इंटू सिक्स एक्स, ये थ्री एक्स हो गया थ्री एक्स, ये थ्री इसके साथ कैंसिल हो गया प्लस वन, थ्री टू द सिक्स एक्स, ये थ्री कट गया माइनस फोर माइनस थ्री सिक्स आर एटीन एक्स, थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, तो सिक्स एक्स में से एटीन एक्स माइनस क्या हो गया, सिक्स एक्स माइनस एटीन एक्स कितना आएगा माइनस ट्वेल्व एक्स, माइनस ट्वेल्व एक्स फिर माइनस फोर, ये माइनस ट्वेल्व ये साइड पर आ जाएगा, ये साइड पर आ जाएगा, इस माइनस ट्वेल्व को यहाँ पर ले आएंगे थ्री एक्स प्लस हो जाएगा, माइनस आ इधर आ गया प्लस हो गया इज इक्वल टू माइनस फोर, ये प्लस वन यहाँ पर आ जाएगा, इस प्लस वन को यहाँ पर ले आएंगे प्लस आ इधर आ गया माइनस हो जाएगा माइनस वन, तो थ्री प्लस ट्वेल्व कितना आएगा फिफ्टीन एक्स, फिफ्टीन एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस वन कितना आएगा माइनस फाइव, अब दोनों साइड अगर फिफ्टीन के साथ डिवाइड कर देंगे फिफ्टीन एक्स डिवाइडेड बाई फिफ्टीन, फिफ्टीन एक्स डिवाइडेड बाई फिफ्टीन माइनस फाइव डिवाइडेड बाई फिफ्टीन, ये इसके बाद कैंसिल हो गया ऐसे कर लो, फाइव वन द फाइव, फाइव थ्री द फिफ्टीन माइनस वन नंबर थ्री, ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा माइनस वन नंबर थ्री, ये आपका आंसर आ गया। फिर पार्ट नंबर फाइव करते हैं,
पार्ट नंबर फाइव है इसका, पार्ट नंबर फाइव, फाइव इंटू एस माइनस थ्री, फाइव इंटू एस माइनस थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स, फाइव इंटू एस माइनस थ्री माइनस एस, माइनस एस इज इक्वल टू वन माइनस एस ओवर नाइन, माइनस एस ओवर नाइन। पांचवा पार्ट है फाइव इंटू एस माइनस थ्री ओवर सिक्स, माइनस एस इज इक्वल टू वन माइनस एस ओवर नाइन। अब इसमें देखें सिक्स और नाइन, इसका एलसीएम कितना होगा, सिक्स और नाइन का एलसीएम क्या होगा, तो फाइव सिक्स और नाइन दोनों किस टेबल में आते हैं, एटीन के, सिक्स थ्री हजार एटीन, नाइन टू हजार एटीन, सिक्स थ्री हजार एटीन, नाइन टू हजार एटीन, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, एटीन। एलसीएम आप सिक्स और नाइन इज इक्वल टू एटीन, सिक्स के टेबल में भी एटीन आता है, नाइन के टेबल में एटीन आता है, एटीन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई एटीन, सभी को एटीन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एटीन मल्टीप्लाइड बाई फाइव इंटू एस माइनस थ्री ओवर सिक्स, फिर माइनस एटीन मल्टीप्लाइड बाई एस, एटीन मल्टीप्लाइड बाई वन, एटीन एस ओवर नाइन। इसको भी एटीन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी एटीन के साथ, इसको भी एटीन के साथ, इसको भी एटीन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सिक्स थ्री हजार, सिक्स थ्री हजार एटीन, सिक्स थ्री हजार एटीन, थ्री फाइव हजार फिफ्टीन, सिक्स थ्री हजार एटीन, थ्री का फाइव से मल्टीप्लाई कर दें, थ्री फाइव हजार फिफ्टीन, फिफ्टीन इंटू एस माइनस थ्री, फिर माइनस एटीन एक्स, एटीन वन हजार एटीन, फिर नाइन टू हजार एटीन माइनस टू एक्स, फिफ्टीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिफ्टीन एक्स, फिफ्टीन थ्री हजार फोर्टी फाइव